केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ फगवाड़ा कांग्रेस के सीनियर नेता सरदार जोगिंदर सिंह मान की अगुवाई में सैकड़ों वर्करों द्वारा रोष मार्च निकाला गया और केंद्रीय राज्य मंत्री सोम प्रकाश का पुतला जलाया गया। इस मौके पर केंद्र सरकार के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की गई। इस मौके पर भारी पुलिस बल तैनात थी। पुलिस को काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी। अज असी केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश जी के घर का घराव करना है। उन्होंने इतने पुतला फूकिया जिसे जो साढ़े मुद्दे अज असी रखे आ, जो ये मोदी सरकार 6 लाख करोड़ की देश की संपत्ति बेचण से तुल गई है, जिन्हें देश में खत्म करना है। ये मैं तुम्हें जिक्र किए करवाना चाहना। यो बीजेपी सरकार है जी कहती 70 साल च कांग्रेस ने किया कि आ जो तुम 6 लाख करोड़ दिया BSNL बेचता, तुम एयरपोर्ट बेचते, तुम भारत दिया GT रोड बेचते, तुम रेलवे बेचते, तुम सरकारी अदारे बेचते। 6 लाख करोड़ कि बेचते हो तुम प्राइवेट फर्मां, अंबानिया, अडानिया। ये करके अज असी इन्हों चूड़ियाँ देना है MP साहब न कि साढ़े वालों जाओ अपने अमित शाह गृह मंत्री अपने PM जाके चूड़ियाँ दे के आओ कि उन्होंने भीड़ से जाके बेची उन्होंने तरक्की हुई है। मैं उदो कह के आया कि इन्हों घराव करना। सोम प्रकाश जी ने साढ़े नाल सानू सवाल मैं पूछना चाहना, तुम हुशियारपुर तो MP बने हो, तुहानू 9 हल्के के किसान ने तुहानू वोटा पा के MP बना के केंद्र च मंत्री बनाया, तुहाडी की जिम्मेवारी बनी, तुम की नहीं किसान ली अज तक किसानों की, तुम लुक के बैठे हैं, ताड़ा कोई करना होता तुम इतने सू जवाब देने तक नहीं आते। तुम अपने चंडीगढ़ कोठे, तुम अपने दिल्ली के महल आराम बैठे ACR गड्डिया घूमते हैं, जो किसान साढ़े सड़कों पर बैठे आ, धुप की गर्मी पूरी हटा ली, जेठ हड़ हटा लिया उन्होंने, जहाँ सर्दियाँ आने के 2 महीने चढ़ाता, तो कितनी संजीदगी आ, तुम कि इस इशू लैके सोहर दो सू दसो आ के असी यूथ कांग्रेस के वालों ये जो अचरना है। असं चेतावनी देना चाहते हैं BJP की, पंजाब के टीम टीम ये अंदोलन इतने नहीं रुकणगे, ये अंदोलन इतों भी ज़्यादा तिखे होणगे, ये अंदोलन किसानों के नाल नाल देश बेचूंगे। असी भी यूथ कांग्रेस भी दिल्ली कूच करूगी, ताडे घरां दे ताडी पार्लीमेंट के बाहर आके बैठूंगे जे तुसी ये अपने फैसले रिकॉल नहीं करोगे। मैं इन्हां शब्दों नाल अपनी आई हुई सारी यूथ की टीम कल्ले कला के नेतृत्व में यहाँ पर कपूरथला में ये फगवाड़ा में यह जो मोर्चा जो निकला हुआ है, सवाल पूछने के लिए आए कि रेलवे स्टेशन क्यों बेच दिए, सवाल पूछने के लिए आए कि हाईवे आपने क्यों बेच दिए, सवाल पूछने के लिए आए कि रेलवे की गाड़ी आपने क्यों बेच दी, सवाल पूछने के लिए आए कि जो लोग युवा जो स्पोर्ट्स खेलते हैं आपने स्टेडियम क्यों बेच दिए। आप लोग 100 लाख करोड़ रुपए देने वाले थे, लेकिन 6 लाख करोड़ रुपए अर्जित करने के लिए आपने ये देश के पूर्वजों ने बनाई हुई संपत्ति आपने बेच दी, इसलिए ये चूड़ियां निपटा करके आप ली।